Praise the Lord, my Pastor Simon Cowan, Cochum and Temple of God Ministries and Principal TOG, Theological Institute of Coruscating Time, live with Reverend Dr. Wilson Carman. मैं वेलकम कहता हूँ आज Reverend Dr. Wilson Carman ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू पाल सिमन. रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर लाहौर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है. आप उनके सर्वेंस को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सर्वेंस के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं. जी नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 170 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड एस्केटोलॉजी और आज की टीचिंग होगी पैराबल्स एंड रेवलेशंस, तमसीलें और मुकाशफात. आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का पैराबल में मुकाशफात कलाम सुनाने का मकसद बताएं और तमसीलों और नबूवती कलाम का फर्क भी बताएं. इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में एस्केटोलॉजी के बारे, तमसीलों में भेद और फिर तमसीलों के बगैर मुकाशफात कलाम देना और कलीसिया तमसील और नबूवत और भेद मुकाशफा को कैसे बयान कर रही है. हाजिर हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवाल के जवाब का आगाज होगा. नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा. अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन से हासिल करेंगे. थैंक यू पाल सिमन. बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, पहले चंद हवाला जात पढ़ जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा. मत्ती की इंजील 13वां बाब 34वीं 35वीं आयत. सब बातें यसु ने भीड़ से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं. और 10वीं आयत, शागिर्दों ने पास आकर उनसे कहा तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है. 13वीं आयत, मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते. और उनके हक में यशाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है. वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं. यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 25वीं आयत, मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कही, वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में ना कहूंगा बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा. इफ़्सियों 30वां बाब 4-5 आयत, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है. यानी यह कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं. आमीन. पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से टॉपिक क्रिस्टोलॉजी और एस्केटोलॉजी आज की टीचिंग पैराबल्स एंड रेवलेशन, तमसीलें और मुकाशफात. बाइबल स्टूडेंट, बिलीवर, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर जो बातें लर्न कर रहे हैं क्रिस्टोलॉजी और एस्केटोलॉजी के हवाला से, यानी क्राइस्ट की जो टीचिंग, जो तालीम यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर दी गई और क्राइस्ट ने बेशुमार मौजज़ात किए, लोगों को निजात और शिफा दी और
अहम जो तालीमात हैं, डॉक्ट्रिन जो क्राइस्ट ने प्रीच की, उनका बयान क्रिस्टोलॉजी में किया जा रहा है। जो पैराबल के अंदर भी क्राइस्ट ने तालीम दी, उसके ऊपर जो तमसीलें हैं और तमसीलों के अंदर जो पैगाम क्राइस्ट ने दिए हैं, मुकाशफा दिए हैं, उसके हवाले से बात की जाएगी। यानी जब क्राइस्ट पैराबल के अंदर बात करता तो बाइबल स्टूडेंट बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की क्लीसिया खुदा के खादमों जो हमें जिस बात के ऊपर आज थिंक करना है और हवाला जात भी पढ़े कि क्राइस्ट ने तमसीलों के अंदर बात क्यों की, तमसीलों के अंदर पैगाम क्यों सुनाया। जो आज वजूहात बताई जाएंगी और उसके अंदर क्राइस्ट का वो सारा विजन जो खुदा ने अपने बेटे के जरिए से उसको भेजा ताकि वो तालीम दे, लोगों को निजात दे, शिफा बख्शे। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर बेशमार डॉक्ट्रिन के साथ क्राइस्ट ने एस्कटोलॉजी के हवाला से तालीम दी और पैराबल के अंदर उनको वाज़े तौर पर आज ये सीखेंगे। जो हवाला मत्ती की इंजील 13वें बाब के अंदर पढ़ा गया कि क्राइस्ट तमसील के जरिए से पैगाम देता था और जितने भी वाज करता था, यानी पब्लिक के अंदर, क्राउड के अंदर, कॉन्ग्रीगेशन के अंदर, तो बगैर तमसील के उनसे बात ना करता था। तो ये हमें फोकस करना है कि आज जब हम क्राइस्ट की पैराबल के हवाला से और रेवलेशन के बारे जब तालीम हासिल करेंगे तो बाइबल स्टूडेंट जो हमारा मकसद है कि क्राइस्ट ने जो जमीन के ऊपर तालीम दी, उसके आने का जो मकसद था और दुनिया को निजात दी, हम वो लर्न करें और अपनी लाइफ के अंदर, जात के अंदर उनको सीखते हुए क्राइस्ट की जब गवाही दें, मुनादी करें, तो वो जिस तरह क्राइस्ट ने पैटर्न यूज किए, जिस तरह रसूलों ने पैटर्न यूज किए और क्राइस्ट की टीचिंग के अंदर जो सब्जेक्ट प्रीच किए गए उनको हम बखूबी जानें और उनको प्रीच कर सकें। तो जब क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात और तमाम डॉक्ट्रिन्स और उसकी टीचिंग के ऊपर हमारा फोकस है, तो क्राइस्ट ने पैराबल का जब इस्तेमाल किया तो जो हवाला पड़ा कि बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, तो ये फोकस करने की जरूरत है कि क्राइस्ट जब भी पैगाम देता, जब भी कोई डॉक्ट्रिन शेयर करता तो पैराबल के जरिए, तमसील के जरिए से कलाम सुनाता। और इस टीचिंग के अंदर, इन पैराबल के अंदर जितनी डॉक्ट्रिन प्रीच की गई, उस हर डॉक्ट्रिन का हमें पता होना चाहिए। और आज जो पैराबल के अंदर जो डॉक्ट्रिन दी गई हैं, जो बताई जाएंगी, उसमें ज्यादा जो डॉक्ट्रिन है एस्कटोलॉजी के हवाला से, और एस्कटोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये एंड टाइम के इवेंट्स हैं, उनके हवाला से जो क्राइस्ट से बात की है। और जब हम पैराबल की बात करेंगे तो ये जो तमसीलें हैं क्राइस्ट ने इन पैराबल के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों किया, तो उसकी दो वजूहात थी। एक तो प्रॉफेसी जो जबूर 78 के अंदर नबी ने कहा और मत्ती की इंजील 13वें बाब की 35वीं आयत में उसका हवाला भी दिया गया, ताकि वो बात पूरी हो जो नबी ने की, यानी जबूर 78 के अंदर प्रोफेटिक वे से जो प्रॉफेसी क्राइस्ट की जात के हवाला से हुई कि क्राइस्ट जब तजस्म के अंदर आकर खिदमत करेगा, मिनिस्ट्री करेगा, तो वो तमसीलों के अंदर मुंह खोलेगा, यानी क्राइस्ट तमसील के जरिए से कलाम सुनाएगा। तो ये बात कहने का जो नबी ने कही, इसका आज हम देखेंगे कि नबी ने और खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक क्राइस्ट ने क्यों आकर तमसीलों में बात की, जबकि ओल्ड टेस्टमेंट के जितने भी खादम, जितने भी नबी गुजरे हैं, उन्होंने तमसीलों में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रोफेसी की राह से जो बात खुदा की पहुंचाई। पैराबल्स जो नबियों ने की वो नबूवती राह से था, पर क्राइस्ट क्यों तमसीलों के अंदर बात करने लगा, तो ये एक तो मैंने बताया कि एक नबूवत की राह से ये कहा गया कि वो तमसीलों के अंदर अपना मुंह खोलेगा। और दूसरी बात जो उस जबूर के अंदर लिखी गई है कि वो कदीम मामले बयान करेगा, यानी बनाए आलम से पेशतर जो हिडन भेद थे, मिस्री थी, रेवलेशन खुदा की जात के अंदर पड़े थे, उनका बयान करेगा। तो ये तमसीलों के अंदर ये बयान किया गया। तो जब हम पैराबल की बात करते हैं, ग्रीक वर्ड पैराबोली, जिसका मतलब है पैराबल, यानी सिंपल शॉर्ट स्टोरीज विद स्पिरिचुअल लेसन, रेवलेशन तमसील का मानी बनता है कि ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसके अंदर
जो मुकाशफाती और एक स्पिरिचुअल लेसन दिया जाता है, यानी एक स्टोरी के जरिए से हिडन रेवलेशन का बयान जो है पब्लिक के अंदर किया। और क्यों किया तो इस पे गौर करना है ताकि लोगों को इन बातों की समझ ना आए, यानी देखते हुए वो ना देखे और सुनते हुए ना सुने, यानी उनसे ये मैसेज हाइड किया गया, वो मैसेज हाइड किया गया जो बनाए आलम से पेशतर हिडन था। और क्राइस्ट ने आकर पैराबल के अंदर उसको अयाम भी किया और हाइड भी रखा। उसकी वजह यह थी कि यशाया ने एक प्रोफेसी कर रखी थी कि इस उम्मत के दिलों के ऊपर चर्बी छा गई है, इनकी आंखें बंद हो गई हैं, ये देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना सुने, यानी उन्होंने अपने कान बंद कर रखे थे, उनके दिलों के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो कलाम के शिनवा ना होते थे। तो उनको तमसील के अंदर, पैराबल के अंदर जो कलाम सुनाया गया है ताकि वो देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, आगे लिखा है ता ऐसा ना हो कि वो सुनकर ईमान लाए और रजू लाए ताकि शिफा पाए, यानी निजात और शिफा उनको मिल सके। तो इसका मतलब है अगर हिडन मैसेज, मुकाशफाती पैगाम जो तमसील में दिया गया, अगर इसको नबूवती राह से दिया जाता तो वो ईमान लाते और गुनाहों से तौबा करते, निजात पाते, शिफा पाते। पर चूंकि उन्होंने अपने दिल को सख्त कर रखा था और देखते हुए ना देखते थे, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यशाया, यर्मिया, हिज्कियल और बेशुमार नबियों की नबूवतों को उनकी हकारत की, उनके ऊपर ईमान ना लाए और यहोवा को छोड़कर बुतों की परस्तिश करते थे, और इस शक्ति की वजह से वो असीरी के अंदर गए, सजा उन्होंने पाई, काल वबा हर तरह की सजा पाई। और बाइबल मुकद्दस में अहबार की किताब 26वें बाब के अंदर उन जजमेंट के तमाम दर्जे बताए गए हैं कि वन टाइम जजमेंट कब होगी, 7 टाइम जजमेंट, 14 टाइम जजमेंट, 21 टाइम जजमेंट, फिर उसके बाद काल वबा, तलवार, और आखिर जो सजा थी वो असीरी के अंदर उनको चेन डाल दी गई और उन्होंने असीरी इख्तियार की। तो ये सारी बातें उनके अंदर थी, वो सख्त दिल हो चुके थे, चकमाक की तरह उनके दिल सख्त थे। और जब खुदा का बेटा क्राइस्ट आया तो वो सख्त दिल ही थे, और क्राइस्ट से पहले जॉन बैप्टिस्ट आया और उसने आकर नबूत करना शुरू की। तो जब क्राइस्ट मुनादी करने लगा, क्राइस्ट तालीम देने लगा, और उससे पेशे जैसा मैंने बताया, खुदा ने जॉन बैप्टिस्ट को इसलिए भेजा ताकि वो कौम के अंदर, उम्मत के अंदर राह तैयार करे, ऊंचा नीचा करे, नीचा ऊंचा करे, घाटियां जो है उसको ठीक करे, यानी स्पिरिचुअली इस बियाबान के अंदर, इज़राइल के अंदर आया, डेजर्ट के अंदर, ताकि लोग तोबा करें। तो लोग आने लगे बियाबान के अंदर, और जॉन बैप्टिस्ट को नबी माना कि ये खुदा की तरफ से है, तभी आकर रिपेंट करने लगे और वाटर बैप्टिज्म लेने लगे। और जॉन बैप्टिस्ट ने साथ ये भी क्राइस्ट के हवाले से कहा कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आता है मुझसे जोरावर है, मैं उसके पांव की जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं है, वो तुमको रूल कदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो अब ये जो जॉन बैप्टिस्ट है, जिसे कौम ने नबी मान भी लिया, और नबी ये कह रहा है कि मेरे बाद, यानी मैं इसलिए आया हूं ताकि मसाया को, खुदा के बेटे को जाहिर कर दूं, और वाटर बैप्टिज्म देता आ रहा हूं ताकि वो इज़राइल के अंदर आए, और मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं मगर वो होली स्पिरिट से बपतिस्मा देगा, यानी इज़राइल के गुनाह जो बख्शे जा रहे हैं, जो वॉश किए जा रहे हैं, तो वो वाटर बैप्टिज्म की हद तक बता रहा है, मगर क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसके हवाला से जॉन बैप्टिस्ट ने वाजे ये बात नबूत की राह से ये बता दी कौम को कि खुदा का बेटा क्राइस्ट आएगा। तो जब क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म लिया और होली स्पिरिट उसके ऊपर नाजिल हुआ, और यही जॉन बैप्टिस्ट जा देखना चाहता था कि मैं तो उसे पहचानता ना था, यानी क्राइस्ट की पहचान यह थी कि होली स्पिरिट उसके ऊपर नाजिल होगा, जो यशाया की प्रोफेसी थी कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। तो जब क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म ले लिया, पानी के ऊपर आया, और लिखा है आसमान उसके लिए खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की मानद उसके ऊपर आ ठहरा। तो अब ये नजारा लोगों ने देखा, और जॉन बैप्टिस्ट ने फिर ये कह दिया, देखो खुदा का बड़ा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है, और फिर लिखा कि वो मुझसे पहले था,
वो ओपन बता रहा है नबूवत की राह से, जाहिर कर रहा है कि खुदा का बेटा मसीहा जो है आ गया है, ये गुनाह उठाने के लिए आया है, ये मुझसे पहले था। तो यहां गौर करने वाली बात है कि जैसा कि मैं बता रहा हूं कि क्राइस्ट ने क्यों पैराबल में बात की, जब जॉन बैप्टिस्ट क्राइस्ट से पहले भेजा गया है तो उन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी, उसको नबी तो मान लिया पर उसकी नबुव्वत पर ईमान नहीं लाए। अगर नबुव्वत पर ईमान ले आते तो जैसा वो कह रहा है कि देखो खुदा का बड़ा और खुदा के बेटे मसीहा पर ईमान लाते और अपने गुनाहों से तोबा करते, तो बहुत चंद लोग थे जो ईमान ले आए, जो निजात के मुंतजर थे, पर एज नेशन पूरी कौम ने मसीहा को रद्द कर दिया, उसको मसलूब कर दिया। तो जॉन बैप्टिस्ट ने तो नबूवत की राह से बयान कर दिया, वो आया ही इसलिए था ताकि मसीह कौम पे जाहिर हो जाए। तो नबी तो उन्होंने जॉन बैप्टिस्ट को मान लिया पर उसकी नबूवत पर जो क्राइस्ट के हवाला से थी उस पे बिलीव नहीं किया। तो जब क्राइस्ट ने मिनिस्ट्री करना शुरू की तो फिर क्राइस्ट तमसीलों में इसीलिए कर रहा था क्योंकि उन्होंने जॉन बैप्टिस्ट की भी ना सुनी और उससे पहले भी नबियों की ना सुनी, इसलिए यशायाह में ये नबूवत आ गई थी कि वो देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने। और क्राइस्ट के हवाले से भी प्रोफेसी आ गई थी कि खुदा का बेटा जब तजस्सुम में आकर अपनी जान कुर्बान करेगा, उससे पेशतर वो यरूशलम के अंदर इज़राइल के अंदर मुनादी करेगा, तो वो फिर पैराबल के अंदर करेगा, यानी कौम को उस हिडन मैसेज की समझ ही ना आए क्योंकि उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। उनका आंखें बंद कर लेना ये प्रोफेसी की राह से तेरहवें बाब में भी बताया गया, यशायाह में भी लिख दिया गया कि वो देखते हुए ना देखे और सुनते ना हुए भी ना सुने। तो उन्होंने क्राइस्ट को देखा, क्राइस्ट को सुना पर उनके दिल बंद थे, उनकी आंखें बंद थी और वो रुजू ना लाए। तो क्राइस्ट ने कहा कि मुबारक है तुम्हारी आंखें, यानी ये डिसाइपल को कहा गया, तुम देखते हो और सुनते हो, यानी उन्होंने मसीहा को कबूल किया, मसीहा की बातों पर ईमान लाए, उन रेवलेशन के ऊपर ईमान लाए जो क्राइस्ट बयान कर रहा था। तो जो पैराबल के अंदर कलाम सुनाने का जो क्राइस्ट का मकसद था कि वो तमाम हिडन डॉक्ट्रिन्स, वो तमाम रेवलेशन जो एक्सटोलॉजी के हवाला से जो बयान किए जाएंगे तमसीलों के अंदर, तो क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन के अंदर, पैराबल के अंदर गौर से सुनिए, शॉर्ट सिंपल स्टोरी के अंदर डिवाइन मैसेज, हिडन मैसेज, मुकाशवा, मिस्ट्री, भेद छिपे हुए थे जो स्टोरी की राह से बयान किए जा रहे हैं मगर उनको समझ नहीं आ रही, वो उसको एक महज स्टोरी समझ रहे हैं। तो नबियों ने तो नबूवत की राह से वाजे वाजे बयान कर देते थे कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, पर यहां पर जो हिडन एजुकेशन थी यानी एस्कटोलॉजी के हवाला से, एंड टाइम के हवाला से क्राइस्ट ने जो तालीम डॉक्ट्रिन इन पैराबल के अंदर दी है, तो बिलीवर स्टूडेंट हमें समझना है कि तमसील के अंदर जो हिडन मैसेज था, जो हिडन रेवलेशन था, मुकाशवा था, उसका बयान किया जा रहा है पर उस सारी भीड़ को समझ नहीं आती थी, फकी फरीसियों को समझ नहीं आती थी, इसलिए उनकी आंखें बंद थी। तो जब आज डॉक्ट्रिन पैराबल के हवाले से है, क्राइस्ट की टीचिंग पैराबल के अंदर है, तो उसमें तो मुकाशवात भरे हुए हैं, उसमें तो हिडन भेद भरे हुए हैं, उसमें तो एक्सकटोलॉजी की एंड टाइम की तालीम भरी हुई है, हर बात जो डॉक्ट्रिन के अंदर की गई उसके अंदर गुड न्यूज भरी हुई है, गैर कौमों के हवाला से, कौम के हवाला से, खुदा की जात की क्वालिटीज, एट्रीब्यूट, उसकी मर्सी, ग्रेस, फजल, हर चीज डॉक्ट्रिन में नजर आ रहा है। पर चूंकि पैराबल है, चूंकि एक सिंपल तमसील है, एक शॉर्ट स्टोरी है, तो कौम उसको एक स्टोरी ही समझते थे और उसके अंदर हिडन मैसेज को ना समझ पाए। तो क्राइस्ट के आने का यह साफ मतलब था कि वो पैराबल में वो एस्कटोलॉजी की बात करे, यानी हिडन मैसेज दे जो उनको समझ ना आए, अगर उनको समझ आ गया, अगर वो रजू ले आए तो वो निजात शिफा पा जाएंगे। चूंकि उनकी आंखें बंद थी, उनकी आंखें बंद थी इसलिए ये मौका उन्होंने गंवा दिया, यानी यहोवा की बातों पर भी ईमान ना लाए, क्राइस्ट की बातों के ऊपर ईमान ना लाए और होली स्पिरिट के हवाला से भी क्राइस्ट को ये कहते थे कि क्राइस्ट में बुरी रूह है, यानी उसकी मदद से ये करता है। तो उन्होंने खुदाए सलूस की हकारत की, उस तालीम की, मुकाशफात की, जैसे आज भी बहुत से लोग मसीह की बातों की शिनमा
नहीं होते, उनके दिल सख्त है, उन्होंने अपने दिलों को बंद कर रखा है, गुनाह पे गुनाह करते हैं, और ऐसी ही सजा होगी जैसी बनी इसराइल ने सजा पाई और तलवार काल बबा असीरी में गए, वो भी इसी तरह एंड जहन्नम में जाएंगे। पर इस दुनिया के अंदर भी वो गुनाह की जिंदगी के अंदर अपनी औलाद के हवाला से, घर बार के हवाला से, जॉब बिजनेस के हवाला से दुख तकलीफें ही उठाते रहेंगे, बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि बनी इसराइल ने जो किया हमें साफ दिखता है कि किस तरीके से उनके ऊपर ये जजमेंट हुई। तो पौलुस कहता है कि वो बातें हमारे लिए इबरत है। तो क्राइस्ट का पैराबल के अंदर कलाम सुनाने का मकसद ही यही था कि वो एंड टाइम के हवाला से और गुड न्यूज का जो मैसेज क्राइस्ट देने आया है ये उनकी पहुंच से बाहर हो, यानी हिडन जो डिवाइन जो एजुकेशन थी, जो अजल से बनाए आलम से खुदा की जात के अंदर थी, जो उसका प्रोग्राम था, इंतजाम था कि दुनिया को निजात दे, तो वो इन बातों को जब नबियों की नबूतों को उन्होंने रद्द कर दिया, जब उन्होंने जॉन बैप्टिस्ट जो ना बपतिस्मा देने वाला जो मसीह की बाबत कर रहा है बात, उसकी नबूतों को रद्द कर दिया, हालांकि उसको नबी मानकर रिपेंट भी कर रहे हैं, वाटर बैप्टिज्म भी ले रहे हैं, पर मसाया के हवाला से, रिडीमर के हवाला से जब वो कह रहा है तो उन्होंने कान नहीं धरा और लोगों ने मसीह यसू को आकर मसलूब कर दिया। तो क्राइस्ट 3 साल तक उनके बीच मुनादी करता रहा, पर वो निजात और शिफा इंडिविजुअली या खानदानों के अंदर डोर टू डोर, सिटी टू सिटी जाता रहा और मौजाद करता रहा और लोगों को यही कहता रहा कि ये किसी को ना बताना, मगर जो शिफा पा रहे हैं, जो निजात पा रहे हैं, वो उसको खुदा का बेटा मान रहे हैं। पर खुदा का बेटा आया इसलिए ताकि उनके बीच आकर जिस तरह उन्होंने नबियों को रद्द किया है, वो मसाया को भी रद्द करें, मसाया को भी मसलूब करें, ताकि जो खुदा का प्रोग्राम है उनके रद्द करने की वजह से गैर कौमें वो भी ईमान ले आए, यानी उनके रद्द करने से मैसेज गैर कौमों में जाए, ताकि गैर कौमें और कौम दोनों ही कलीसिया के अंदर दाखिल हो जाए मसीह के वसीला से। तो पैराबल के अंदर टीचिंग प्रीचिंग करने का मकसद यह था कि डिवाइन मैसेज हाइड करके उनको सुनाया गया, जो ऑलरेडी हिडन था उसको क्राइस्ट ने आके यहां तो किया, पर वो हाइड ही रहा क्योंकि वो उसको समझ ना सके। तो पैराबल के अंदर मनादी क्राइस्ट की ये एक मुश्किल तरीन जो वे था, मगर वो सादा लग रहा था, मगर उसके अंदर डिवाइन मैसेज छिपा कर उनको दिया गया और उसके अंदर एक्सक्रोलॉजी की सारी तालीम भरी हुई थी, जो डैनियल की किताब के अंदर रेवलेशन है, जो मुकाशो की किताब के अंदर रेवलेशन है, जो अजल से खुदा की जात के अंदर थे, क्राइस्ट ने तमाम पैराबल के अंदर उनका बयान किया। जिस तरह एक्सट्रोलॉजी के हवाला से हम एंड टाइम के नॉलेज की बात करते हैं, तो आप देखिए कि क्राइस्ट ने फिग ट्री की एग्जाम्पल दी, फिग ट्री के अंदर इस पैराबल के अंदर, फिर क्राइस्ट ने 10 वर्जन के हवाला से जो एंड टाइम के हवाले से तालीम दी वो पैराबल के जरिए से उनको दी, फिर जो थ्रोन के हवाले से किस तरह वो अदालत करेगा व्हाइट थ्रोन के ऊपर, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, तो इस पैराबल के अंदर जो जजमेंट का बयान किया गया और फिर एटर्नल जजमेंट का बयान किया गया, तो ये पैराबल के अंदर एग्जाम्पल दी गई। फिर हमें लॉस्ट शीप की जो पैराबल मिलती है, कॉइन की जो पैराबल मिलती है, फिर उन दो बेटों की जिसमें मुसब बेटे की कहानी है वो पैराबल मिलती है। ये मशहूर पैराबल है और इसके अंदर खोए हुए को निजात देने की बात की गई है, ये हाइड है उनसे ये बातें, पर स्टोरी के जरिए से बयान करने का मकसद ये था, एक तो नबूत की राह से बता दिया गया था कि क्राइस्ट आकर नबूत के अंदर नहीं, वो स्टोरी के अंदर आकर कलाम सुनाएगा जिसके अंदर खुदा के असली रेवलेशन होंगे, मुकाशफात होंगे, वो उनको समझ ही ना आए, यानी हिडन जो रेवलेशन थे उनको हाइड ही रखा गया ताकि ये रजू ना लाए और निजात और शिफा ना पाए, ताकि उनके रद्द करने से फिर सारी दुनिया मसीह पर ईमान लाए, सारी दुनिया के लिए मसीह कुर्बान हो जाए, कि कौम ने रद्द किया, कौम ने उसे मसलूब किया। तो ये जो बारीक जो इंतजाम खुदा की जात का क्राइस्ट के हवाला से है
क्राइस्ट की टीचिंग जब हम क्रिस्टोलॉजी को लर्न कर रहे हैं तो उसमें देखना है कि क्रिस्टोलॉजी के अंदर, क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन्स के अंदर जो एक्सकटोलॉजी है, जो एंड टाइम की एजुकेशन है, वो भरी पड़ी है। वो सिर्फ डैनियल में नहीं है या सिर्फ रेवलेशन में नहीं है, वो क्राइस्ट की पैराबल के अंदर क्राइस्ट ने पहले ही बता दी, और रसूलों ने वही तालीम जो क्राइस्ट ने दी उनका बयान किया, जो हम सुना रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। तो ये हमें जानना है कि पैराबल के अंदर जो डॉक्ट्रिन दी गई है ये सिंपल दिखाई देती है, मगर इसके अंदर एंड टाइम के मुकाशफात है। ये उनको समझ आएंगे जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो चुने गए हुए अजल से, और ये शागिर्द जो चुने हुए थे, क्राइस्ट ने उनको साफ कह दिया कि उनसे ये बातें छुपाई गई हैं, हाइड की गई हैं, ताकि वो देखते हुए ना देखे, पर तुम्हारी आंखें जो है तुम मुबारक हो, जो तुम देखते हो सुनते हो, यानी तुम्हें समझ आ रही है। और जो मुश्किल बात उनके लिए होती भी तो लिखा है क्राइस्ट उनको खलवत में जाके बता देता। पैराबल सुनाई गई, लोगों को भी नहीं समझ आई और शागिर्दों को भी नहीं समझ आई, पर जब वो खिलवत में बैठते थे तब वो उन मुकाशफात का, भेदों का बयान शागिर्दों के ऊपर करता था, और फिर जी उठने के बाद शागिर्दों ने वो तमाम एंड टाइम के एस्ट्रोलॉजी की सारी तालीम को लोगों तक लेकर आए। तो यानी उनको ये बता दिया गया। फिर नबियों के हवाला से जो ओल्ड टेस्टमेंट में जिन्होंने नबूते की थी, क्राइस्ट ने कहा कि बहुतों को आरजू थी, यानी बहुत से नबियों को, बहुत से रासबाजों को आरजू थी कि जो तुम देखते हो वो देखें, जो तुम सुनते हो वो सुने, यानी वो इन मुकाशफात को सुनना चाहते थे, जिसकी वो नबूवत करते थे, वो एंड टाइम की बाबत जानना चाहते थे, वो खुदा के बेटे मसाया को देखना चाहते थे, पर वो नहीं देख सके। पर तुम मुबारक हो जो तुम्हारी आंखें देखती हैं और तुम सुनते हो, जानते हो, देखते हो। तो ये दो बातें हमारे पास आया हो जाती है पैराबल के जरिए से तालीम देने का मकसद, इज़राइल की आंखें बंद थी उनके ऊपर, जो एंड टाइम के मैसेज हैं, गुड न्यूज के मैसेज हैं, वो हाइड रहे, हिडन मुकाशफात बयान किए जा रहे हैं। तो पैराबल के अंदर जो जितनी भी तालीम दी गई, जितनी भी तमसीलें दी गई, तो लिखा है बगैर तमसील के वो उनसे कुछ नहीं कहता था, यानी उसका पैटर्न ही यही था कि वो पैराबल में बात करे, जबकि नबियों ने पैराबल में बात नहीं की। खुदा के डिवाइन जो प्रोफेसी थी उसको प्रोफेसी के मानी में बयान किया कि खुदावंद खुदा फरमाता है, जो वाकया फ्यूचर का था या उस वक्त का था, किसी के हवाला से था, कौम के या गैर कौमों के हवाला से, पर क्राइस्ट ने स्टोरी के अंदर डिवाइन मैसेज को, रेवलेशन को बयान किया। तो इसका यह मतलब नहीं के डिवाइन मैसेज को सिंपल करके बताया, सिंपल स्टोरी के अंदर डिवाइन मैसेज हाइड करके बताया गया, ताकि वो देखते हुए ना देखे और समझते हुए ना समझे, उनकी आंखों के ऊपर चर्बी छाई हुई है, इसलिए उस कौम ने उसको रद्द कर दिया। तो ये जो मेन मकसद पैराबल का था प्रोफेसी की राह से, कि मैं कदीम बातें, कदीम मौमे बयान करूंगा, मैं तमसीलों पर अपना मुंह खोलूंगा, अजल से बातें जो बनाए आलम से पुशीदा है उनका बयान करूंगा। तो आप देखिए कि क्राइस्ट ने हर वो मुकाशवा, हर वो बात जो बाप के प्रोग्राम के अंदर थी, खुदा के बेटे ने वो सारा प्रोग्राम दे दिया है। और मैं आप आज जब पैराबल पढ़े तो उनके अंदर हमें एस्ट्रोलॉजी, हर तरह की तालीम की समझ आए, क्योंकि अब होली स्पिरिट हमें दे दिया गया है। उनकी आंखें बंद थी, पर मैं आप जो ईमान लाते हैं वो इन स्टोरी को ना समझ पाए और इनको वो सिंपल स्टोरी समझे। ये अहम मुकाशफात भेद भरे हुए हैं जो इन पैराबल के अंदर थे। और जब एस्ट्रोलॉजी की बात की जा रही है तो एंड टाइम के हवाला से मैंने बताया कि फिग ट्री की बात बताई गई, कि अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, कि जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तो लिखा तुम समझ जाते हो कि गर्मी नजदीक है। तो अब ये पैराबल के अंदर एक मैसेज डिवाइन दिया जाएगा। तो लिखा इसी तरह वो सब बातें जिनका मैंने बयान किया वो होना अर्गिज तमाम ना होगी। तो लिखा जमीन आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो 24वें बाब के अंदर ये पैराबल फिग ट्री की, अंजीर के दरख्त की दी गई है, कि उसकी डाली जब नरम होती है, तो इसे हम कौम भी मुराद लेते हैं अंजीर के दरख्त से, और यह भी मानी है कि जब उसमें पत्ते निकलेंगे, यानी जब वो निजात पाएगा आखिरी दिनों में, तो क्राइस्ट की आमद करीब हो जाएगी, ये भी मानी है। पर 24वें बाब में एक और डिटेल जो एस्क्रोलॉजी के हवाला से दी गई है।
एंड टाइम के हवाला से दी गई है और फिग ट्री की मिसाल देकर कही गई है कि ये सारी बातें जब हो जाएंगी तो अंजीर के दरख्त को सामने रखना है उसकी पैराबल। तो अब लोग अंजीर के दरख्त की पैराबल तो समझ रहे हैं, पर वो जो एस्केटोलॉजी के इवेंट है जो डैनियल में मुकाशवा में लिखे हैं, क्राइस्ट ने पैराबल में बयान कर दिया, लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हो। जो तवज्जो देते हैं गोया होली स्पिरिट ने उनको ये गाइड कर दिया है। तो 24वें बाब में क्या था कि आखिरी दिनों में काल वबा जो ये जलजले जंगे आएंगी, तो लिखा ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, यानी ये अर्ली पेन्स जैसे एक हामला को लगती है और फिर वो डिलीवरी यानी बच्चा जनती है। तो बच्चा जनने से पहले जो पेन्स है ये मुसीबतों का शुरू है। मुसीबत जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है वो तो इन मुसीबतों के बाद आएगी। तो डैनियल की रेवलेशन की सारी जो तालीम है 24वें बाब के अंदर क्राइस्ट दे रहा है फिग ट्री की मिसाल से। तो एस्केटोलॉजी के अंदर एंड टाइम के हवाले से जो मैं तालीम क्राइस्ट की पैराबल के अंदर आई है, तो उसमें आप देखिए कि डैनियल की तालीम के मुताबिक लिखा है कि जो डैनियल की किताब में लिखा है पढ़ने वाला समझ ले। तो क्राइस्ट ये बातें बयान कर रहा है कि डैनियल की किताब में क्या लिखा, तो डैनियल की किताब में मुखालफ मसीह के हवाले से लिखा। तो लिखा जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ जाना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। तो वो एंटी क्राइस्ट का दौर तब आएगा, उससे पहले जंगे होंगे, उससे पहले काल वबा अफवाहें, तो ये स्टार्ट हो चुका है दुनिया के अंदर, तो ये शुरू होंगी। मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी दुनिया के अंदर जब तक अंजील का पैगाम पूरी खुशखबरी ना सुनाई जाए, खात्मा ना होगा। तो जब क्राइस्ट आएगा तो लिखा है, जब क्राइस्ट आएगा तो लिखा है उस वक्त सूरज तारीख हो जाएगा और चांद खून हो जाएगा। तो ये फिग ट्री की तमसील के अंदर बताया गया कि जो ही डाली नरम होती है, जो ही पत्ते निकलते हैं, तुमको पता चल जाता है कि गर्मी नजदीक है। तो गोया मेरी आमद से पहले ये वाकयात होंगे और ये पैराबल के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी की अहम एजुकेशन एंड टाइम की दी गई। तो हमें कितना तमसीलों को होली स्पिरिट के अंदर होली स्पिरिट की हदायत से समझने की जरूरत है कि हम इनको इन बातों को जाने। तो लिखा है कि क्राइस्ट के आने से पहले लिखा है सूरज तारीख हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे। तो लिखा है जब आसमान के सितारे गिरेंगे, ये तो हर मजदून की जंग है, यानी हर मजदून की जंग के अंदर ये ओलों की मानस स्टार उनके ऊपर गिरेंगे, एक बड़ी तबाही होगी। सूरज तारीख हो जाएगा, जिस तरह मिस्र के अंदर सूरज तारीख हो गया जब कौम को निकाला गया, इसी तरह एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के अंदर तारीखी छा जाएगी। तो ये सूरज का तारीख होना है और जब सूरज तारीख होगा तो चांद भी अपनी रोशनी ना देगा, क्योंकि चांद की रोशनी सूरज ही की वजह से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो इसका मतलब है उसका तारीख हो जाना, चांद का रोशनी ना देना, यानी चांद का जैसे कत्ल हो गया यानी खून हो गया, ये मानी कि वो रोशनी ना देगा, वो गोया डेड हो गया है, मर गया है, यानी वो खून हो गया है, उसकी रोशनी जाती रही। तो ये उन मुसीबतें हो के बाद ये बड़ी मुसीबतें आएंगी। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये एंड टाइम इवेंट्स हैं जो क्राइस्ट की टीचिंग डॉक्ट्रिन पैराबल के अंदर हम इनको लर्न कर रहे हैं। तो हमारा माइंड वसी तरीके से इन बातों को समझे कि इन तमसीलों में पैराबल के अंदर एस्केटोलॉजी की यानी क्रिस्टोलॉजी यानी क्राइस्ट की एजुकेशन डॉक्ट्रिन के अंदर जो एंड टाइम की एस्केटोलॉजी की एजुकेशन भरी पड़ी है इन पैराबल के अंदर हमें नजर आ रही है। और लिखा है कि उस वक्त फरिश्ते आसमान से आएंगे और लोगों को उठाकर आसमान की बादशाही में ले जाएंगे, और यानी मानी ये कि एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। फिर यह भी कहा गया कि जब एंटीक्राइस्ट की फौजें यरूशलेम को घेरा करेंगी तो लिखा जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पे भाग जाए, जो कोठे पे हो वो नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वो अपना सबाब लेने को पीछे ना आए, जो हामला औरतें हैं जो दूध पिलाती हैं ये दिन उन दिनों के अंदर ये मुसीबतें उन दिनों में ना आए कि तुम्हें भागना पड़े। तो ये बातें बताई गई। फिर ये भी कहा गया, क्राइस्ट ने कहा कि बहुत से झूठे नबी झूठे मसीह उस दौर में आएंगे और कहेंगे मसीह यहां है मसीह वहां है, यकीन ना करना। जिस तरह बिजली पूर्व से पश्चिम तक कूदती है इसी तरह मसीह का आना होगा, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगी।
तो ये एक असूल बताया गया कि जहां मुर्दार होता है गिद्ध वहां आ जाती, वल्चर वहां पहुंच जाती है, यानी क्राइस्ट जब आएगा जहां जिंदगी है क्लीसिया रैप्चर होगी ये बताने की जरूरत ना होगी। तो इसलिए किसी की बात पे हमने उस वक्त ये नहीं कहना कि मसीह यहां है वहां है। मसीह का वेलकम करने के लिए क्लीसिया जो है ये आसमान पे जो उसका इस्तकबाल करेगी। तो लिखा कि किसी का यकीन ना करना, तो ये सारी बातें जो एंड टाइम के हवाला से बता दी गई कि कोई तुमसे कहे मसीह यहां है वहां है तो यकीन ना करना। इसलिए क्राइस्ट की सारी पैराबल के अंदर जो एंड टाइम की प्रोफेसीज है, रेवलेशन है और एंड टाइम के वाकयात है, ये क्राइस्ट खुदा के बेटे ने आया की है। शागिर्दों ने होली स्पिरिट की मदद से उन्हीं को लेकर आगे प्रीच किया है और खतों में उसकी तालीम दी है। तो हम रसूलों की तालीम को भी पढ़े मगर उसका मैच हम क्राइस्ट के एजुकेशन से करें जो एक्सक्रोलॉजी के हवाले से पैराबल के अंदर दी गई, जो यहूदियों को तो नहीं समझ आई पर खुदा के लोगों को आज होली स्पिरिट के जरिए से समझ आ रही है। तो इसलिए पैराबल में जब हम कलाम सुनाते हैं तो फिर हमें किस कदर स्पिरिट में होकर इन मुकाशफात को जानना है, समझना है जो एंड टाइम के हवाला से है, यानी सारी डैनियल की एजुकेशन, सारी मुकाशफा की तालीम, सारे रेवलेशन जो अजल से बाप की जात के अंदर थे क्राइस्ट ने उनका बयान किया, तो ये पैराबल में जो तालीम दी गई। फिर इसके अलावा हम जब 10 वर्जन की बात करते हैं जिसमें 5 अकलमंद कुंवारियां हैं, 5 बेवकूफ कुंवारियां हैं, तो वो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली, तो ये एंड टाइम ही की बात है, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग की बात है। तो ईमानदार क्रिश्चियन जो वेलकम करेंगी और जो सुस्त लोग हैं, नीमगर लोग हैं, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये एंड टाइम के हवाला से इन पैराबल के अंदर 10 वर्जन के अंदर हम लर्न कर सकते हैं। भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, जब थ्रोन के ऊपर जजमेंट करेगा तो एटर्नल जजमेंट के अंदर ये टर्म दी गई है, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। तो हर बात क्राइस्ट पैराबल के अंदर करता था, एक्सक्रोलॉजी के एंड टाइम की सारी तालीम क्राइस्ट ने दी। और फिर खोई हुई भेड़ की मिसाल जो दी गई लॉस्ट शीप की, आप बिलीवर्स देखें बाइबल स्टूडेंट के कितनी मशहूर पैराबल है कि क्राइस्ट एक को ढूंढता है, 99 को छोड़ देता है, कितनी फिक्रमंदी खुदा के बेटे के अंदर है। तो पैराबल के अंदर शीप, जो लॉस्ट शीप की बात है, तो एक चरवाहा भेड़ों को किस तरह बचाता है, चरागाहों में लेके चलता है, तो हिजकेल की किताब में लिखा है कि उनका कोई चरवाहा नहीं था कि जो उनको बचाए छुड़ाए। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा शेपर्ड, गुड शेपर्ड आया। तो आप देखें पैराबल के अंदर खोई हुई भेड़ की तमसील दी गई कि जब वो मिल जाती है तो वो खुश होता है, अपने पड़ोसियों को बुला के कहता है कि मैं सब खुशी मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई, यानी खुदा का बेटा रूहे बचाने आया, रूहे ढूंढने आया। ये पैराबल में मैसेज डिवाइन दिया गया है कि खुदा की जात का जो रेवलेशन लोगों के लिए के दुनिया के अंदर उनको तलाश करने आया है, ढूंढने आया है, ये तजस्सुम में आने का मकसद यही है। पर यहूदी कौम, उनको इन पैराबल की समझ नहीं आती कि वो खोई हुई भेड़ से क्या मुराद है। फिर लॉस्ट कॉइन की बात बताई गई है कि एक औरत का एक सिक्का जो खो जाता है वो झाड़ू देती है, ढूंढती है, तो ये वही जो रेवलेशन है कि वो ढूंढता है, बचाता है। और दो बेटों की कहानी में, जो मुसल बेटे की कहानी है, सब जानते हैं कि किस तरह पे बाप खुश होता है और उसको गले लगाता है जब वो रिपेंट करता है। तो इस तमाम एजुकेशन के अंदर जो पैराबल है, फिर इसमें अमीर आदमी की, लाजर की जो कहानी हमें बताई गई, पैराबल बताई गई है कि किस तरीके से लाजर जो है वो दुनिया में दुख उठाता था, आखिर अब्राहम की गोद में क्लोज टू अब्राहम जाता है और अमीर आदमी हेल के अंदर। तो ये एंड टाइम के हवाला से, एक्सट्रोलॉजी के हवाला से भरपूर एजुकेशन जो पैराबल के अंदर दी गई है जिसे हमें लर्न करना है। और फिर बीज बोने वाले की जो तमसील हम पैराबल जानते हैं, सुनते हैं कि सोल ऑफ द सीड, जो बोने वाला बीज बोने निकलता है तो उसमें जो पत्थरों वाली सख्त जमीन का भी जिक्र है, झाड़ियों वाली जमीन का जिक्र भी है, राह के किनारे वाली जमीन का भी जिक्र है, जरखेज जमीन का भी जिक्र है। ये 4 काइंड्स ऑफ पीपल दुनिया के अंदर है जहां सीड बोया जा रहा है। तो आसमानी रेवलेशन कलाम खुदा का बेटा जो आया है, पहले तरह बतरा नबियों के जरिए नबूवते, फिर आखिर में खुदा का बेटा डायरेक्ट कलाम रेवलेशन बयान कर रहा है, पर स्टोरी की राह से,
पर पैराबल की राह से, ताकि देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने। पैराबल है, इसका क्या मफहूम था प्रीचिंग करने का, एक्सक्यूटोलॉजी रेवलेशन क्या थे, प्रोफेसी क्या थी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। तो हमें तमसील और नबूत में फर्क पता हो, तमसील और मिसल में फर्क हमें पता हो, तमसील और मुकाशवा के अंदर हमें पता हो, तो जो रेवलेशन के हवाला से जो ग्रीक वर्ड आता है एपोक्लिप्सिस, जिसका मतलब होता है अनवेल या अनकवर, तो किस तरह उसने बातें खोल दी। पर स्टोरी की राह से, पैराबल की राह से वो जो रेवलेशन थे, रेवलेशन का तो मतलब होता है कि अनकवर, पर उनके लिए अनकवर नहीं किया गया, यानी वो मुकाशवा तो बयान किया गया उसी तरह जिस तरह वो खुदा की जात के प्रोग्राम के अंदर था। तो पैराबल के जरिए एक्सट्रोलॉजी की, एंड टाइम के रेवलेशन तो मुकाशवा में वो ओपन होते हैं, पर यहां पर पैराबल के अंदर जो मुकाशफात हैं ये एंड टाइम के, ये उन्हीं को समझेंगे जो होली स्पिरिट की फेलोशिप में रहते हैं, क्राइस्ट पर ईमान लाते हैं। तो मैं ये आगे वजाहत करना चाहूंगा कि फिर किस तरह ये फर्क हमें ओल्ड टेस्टमेंट का, न्यू टेस्टमेंट का, यानी हमें पैराबल और नबूत और मुकाशफा, ये फर्क हमें पता होना चाहिए, जिसपे मैं बात करूंगा। पर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स, ग्रीक वर्ड पैराबोली, जिसका मतलब है शॉर्ट सिंपल स्टोरी विद स्पिरिचुअल लेसन रेवलेशन, यानी खुदा के मुकाशफात से और उसकी सच्चाइयों से एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर तमसील का, पैराबल का सुनाया जाना, ये तमसील के अंदर। और जब हम ग्रीक एपोक्लिप्सिस कहते हैं तो इसका मतलब अनकवर, अनकवर या अनवेल, किसी चीज का कश्फ हो जाना, पर्दा हटाया जाना, ये मुकाशफा। पर यहां पर वो मुकाशफात जो अजल से पोशीदा, अभी ये मिस्ट्री, वो भेद हैं, यानी रेवलेशन से यहां मुराद जो क्राइस्ट ने आकर प्रीच किए हैं पर उनके ऊपर अनवेल नहीं हुए, यानी उनकी आंखें बंद कर दी गई, जो यसाया ने कहा कि देखते हुए ना देखेंगे, सुनते हुए ना सुनेंगे। तो तमसील के अंदर, पैराबल के अंदर कलाम सुनाने का क्राइस्ट का जो मकसद था नबूत की राह से, पहले ही बता दिया कि मैं तमसीलों में मुंह खोलूंगा। अब यहां पर जो सवाल किया गया कि किस तरीके से जो उन्होंने नबियों ने ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवतें की हैं और क्राइस्ट ने पैराबल, तो ये बिल्कुल फर्क है। तो जब नबूवतों की बात आती है तो आप यसाया को पढ़े, यर्मिया को पढ़े, हिजकिया को पढ़े, आमोस को पढ़े, सफनिया को पढ़े, होशिया को पढ़े। जब नबूवतें की जाती है तो नबूवत का मकसद होता है कि खुदा अपना पैगाम अपने खास बंदे के जरिए, प्रॉफिट के जरिए से वो कौम को देता है। तो मुख्तलिफ तरीके खुदा के नबूवती कलाम के होते, तो नबी जो देखता, विजन देखता, खुदा की बात लेकर बयान करता, यानी जो खुदा कहता उसका वक्त नजदीक होता या दूर होता, नबी ने उसको कह देना होता। तो नबी वो मुश्ताक होते उन दिनों के कि क्राइस्ट को देखे, इन बातों को पूरा होते देखे। तो क्राइस्ट ने कहा डिसाइबल को कि तुम्हारी आंखें, तुम मुबारक हो, तुम्हारी आंखें देखती और सुनते हैं तुम्हारे कान। बहुत से नबियों को, रास्तबाजों को आरजू थी कि वो इन बातों को होता देखे, यानी क्राइस्ट को देखे, उसके कलाम को सुने, पर नहीं सुना। तो हमारे पास जब नबूत की बात आती है तो नबी नबूत कर देता था पैगाम को, उसी तरह वो बयान कर देता था नबूत की राह से, लोगों को पता चलता ये बात कही गई है, खुदा फरमाता है। कौम ने उसका यकीन नहीं किया, नबूतों की हकारत की और खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया। खुदा का बेटा जब आता है उसे भेजता है, मैंने बताया जॉन बैप्टिस्ट है, उसकी भी नबूतों के ऊपर कान नहीं धरा, जबकि उसने मसीह के हवाले से कह दिया कि देखो खुदा का बड़ा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है, ये तुम्हें रूल कुदस साग से बपतिस्मा देगा, मरेगा जी उठेगा, बाप के पास जाएगा, होली स्पिरिट भेजेगा। मगर उसका भी यकीन ना किया, सारी बातें बयान कर दी। तो क्राइस्ट के हवाले से चूंकि नबूवत थी कि वो तमसीलों में बात करेगा, तो मकसद ही यही था कि नबूवत पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए नबूवत की राह से कलाम नहीं किया गया। तो क्राइस्ट की पैराबल के अंदर एक्सट्रोलॉजी की तालीम है, मुकाशवाद की तालीम है, ये नबूवती ही कलाम है, मगर क्राइस्ट ने नबूवत की राह से नहीं किया। हालांकि क्राइस्ट नबी भी है, क्राइस्ट काहिन भी है, क्राइस्ट बादशाह भी है, ये थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री क्राइस्ट के पास है, और लोगों ने माना भी, जो नबी दुनिया में आने वाला था यही है, जब 5000 को खाना खिलाया, तो एज ए प्रॉफिट भी काम किया। पर क्राइस्ट नबी से बढ़कर है,
इसलिए नबूवत के अंदर कलाम सुनाने की उसको बिलीवर स्टूडेंट जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा का बेटा है। इसलिए इब्रानियों पहले बाप के अंदर बात हमें नोट करनी है कि पहले नबियों के जरिए से तरह बतरा नबूतों के जरिए से कलाम आया, आखिर में कलाम खुदा जो तजस्सम में आया, मुजस्सम हुआ, वो है ही कलाम। तो गोया उसको नबूत सुनाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब कुछ जानता है। खुदा का बेटा है तो वो अजली बातें जानता है, उसके अंदर है, वो बाप से लेता है, उन्हीं को वो बयान करने आया है जो नबूत की राह से नबियों ने नहीं बयान की। वो बनाए आलम से जो हिडन थी वो खुदा का बेटा ही बयान कर सकता था, क्योंकि खुदा का प्रोग्राम जो लेके आया है, जिसने तकमील करनी है, उसी ने सुनाना है। तो लिहाजा वो पैराबल में सुना रहा है, नबूवत में नहीं। तो गोया है नबूवती कलाम है, ये रेवलेशन है, ये भेद, पर एक नबी की हैसियत से नबूवती कलाम है नहीं, क्योंकि नबूतों को तो वो रद्द करते आ रहे हैं, और जॉन बैप्टिस्ट को भी उन्होंने रद्द कर दिया, उसकी नबूवतों को भी, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ है, और उसने फिर स्टोरी की राह से वो रेवलेशन जो उसकी जात के हवाले से थे, क्रूसिफिक्शन के हवाले से, एक्सट्रोलॉजी के हवाले से थे, उसकी सेकंड कमिंग के हवाले से थे, क्राइस्ट के जो जजमेंट लोगों के ऊपर करनी है उसके हवाले से थे, उसका बयान करना शुरू किया। तो हमारे पास जो रेवलेशन और प्रोफेसी के अंदर जो फर्क आ जाता है, जो प्रॉब जो पैराबल और नबूवत के अंदर, यानी पैराबल और प्रोफेसी में फर्क है, ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवत की गई है, न्यू टेस्टमेंट में क्राइस्ट ने पैराबल सुनाई है, यानी सिंपल स्टोरी के अंदर डिवाइन मैसेज हाइड करके दिया गया, वो जो हिडन मैसेजेस थे उनका बयान किया गया। तो बाइबल स्टूडेंट, हमारे पास पैराबल और प्रोफेसी के अंदर ये फर्क के क्राइस्ट नबी से बढ़कर है, उसको नबूत करने की जरूरत नहीं है, उसकी तो बातें ही जिंदगी है, उसकी तो बातें ही रूह है, वो तो बाप की जात के सारे रेवलेशन जानता है, जिस तरह होली स्पिरिट खुदा की जात की तय की बातें जानता है। तो नबी नहीं जान सकते, नबी तो नबूत की राह से बयान करते हैं, नबी तो ड्रीम विजन की राह से जो कलाम लेकर उनको दिया जाता है सिर्फ उसी का बयान करते हैं। पर खुदा का बेटा तो खुदा का सारा प्रोग्राम रखता है, उसको तो मालूम है। हमारे पास ये फर्क होना चाहिए। फिर पैराबल और मिसल के अंदर हमें पता होना चाहिए, यानी पैराबल और प्रोवर्ब के अंदर, तो प्रोवर्ब भी ट्रूथ है, पैराबल भी ट्रूथ है, पर पैराबल स्टोरी है, प्रोवर्ब एक सेंटेंस के अंदर ही ट्रूथ का बयान किया जाता है। तो ये सारी बातें जो बाइबल के अंदर आई है, तो ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवत की राह से कलाम है, पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर पैराबल के जरिए से क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग को दिया है। तो फिर यशायाह ने ये भी कहा कि ये कौम ने नबूवत की बातों को, नबियों की बातों को हकीर जाना था, लिहाजा अब बेगाना लबों से इनसे बात की जाएगी। तो फिर इसलिए गैर जबाने जब कलीसिया के ऊपर आती है तो वो यही वजह है कि वो देखते हुए ना देखे और अब समझते हुए ना समझे, यानी उनको टंग्स का पता नहीं हो। तो ये टंग्स तो अब इंटरप्रिटेशन के जरिए, रूल कुदस के जरिए कलीसिया पे तो वाजे है, पर उनके ऊपर इसलिए उनको प्रॉफेसी में कलाम नहीं किया गया उनके सामने टंग्स के अंदर, ताकि उनको पता ही ना चले। हालांकि कलीसिया वकूह में आ गई है, होली स्पिरिट नाजिल हुआ है, टंग्स आ रही है, तो टंग्स की इंटरप्रिटेशन हो जाए तो ये नबूवत ही है। और पतरस ने अपने वाज में यही कहा कि ये योएल नबी की बात है कि जिस तरह वो अपने बेटे बेटियों गुलामों लौंडियों पर रूह नाजिल करेगा और वो नबूवत करेंगे, तो है तो ये प्रोफेसी पर टंग्स की राह से आ रही है, ये कलाम सुनाया जा रहा है। तो यहां भी हाइड किया गया, क्राइस्ट पैराबल में भी जो है ये हाइड किया गया। तो जो बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि पैराबल के अंदर कलाम सुनाना के नबी मौजूद है, बल्कि नबी से बड़ा खुदा का बेटा मौजूद है और रेवल्यूशन दे रहा है, मिस्ट्री भेद सुना रहा है, एक्स्ट्रोलॉजी की बातें बयान कर रहा है, पर वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, उनकी आंखों पे पर्दा छा गया। तो ये प्रोफेसी और पैराबल के अंदर जो खुदा का मैसेज डिलीवर करने का मकसद हमें पता होना चाहिए। तो क्राइस्ट ने इसलिए पैराबल के अंदर टीचिंग दी। मगर जब हम आगे चलकर रसूलों को देखते हैं, चर्च वकूह के अंदर आ जाता है, होली स्पिरिट नाजिल होता है, तो फिर वो भेद मुकाशफात जो एक्स्ट्रोलॉजी के हवाला से, गुड न्यूज के हवाला से शागिर्दों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर आया, होली स्पिरिट में हो जाते हैं, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। आज़न, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर एवरेट डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया, अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। बस साइमन बिलीवर्स
बाइबल स्टूडेंट, ये सिनोप्टिक जो गॉस्पल है, सिनोप्टिक गॉस्पल्स का मतलब यानी मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीन जो गॉस्पल है इनके अंदर आपको पैराबल मिलेंगी। तो ये 30 से 50 तक जो पैराबल सुनाई गई है क्राइस्ट ने, तो ये सिनोप्टिक गॉस्पल्स के अंदर है, यानी मत्ती, मरकुस, लूका की अंजील के अंदर है। तो मुकाशो आपको बयान करना चाहूंगा जो यूहन्ना की अंजील 16वें बाब की आयत पढ़ी गई है। अब मैं तमसीलों में बात नहीं करूंगा, यानी पहले तमसीलों में पर शगिर्दों से कहा गया, अब मैं तमसीलों में बात नहीं करूंगा। तो गोया तमसीले उनके लिए यानी नेशन के लिए, इज़राइल के लिए थी। तमाम लेटर्स के अंदर आप देखिए कहीं भी रसूलों ने तमसीलों का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही पैराबल के अंदर कलाम सुनाया है, क्योंकि वाजे वाजे बात होली स्पिरिट से लेकर उन मुकाशवात को खोल कर बयान करते हैं। पहले तो लिखा कि तमसीलों में बात करूंगा, पर अब कहा गया अब तमसीलों से बात ना करूंगा। तो फिर रसूलों के ऊपर होली स्पिरिट के जरिए से वो तमाम रेवलेशन जो पैराबल के अंदर सुनाए गए हैं एक्सटोलॉजी के, वो रसूलों के ऊपर जाहिर कर दिए गए। और इफिसियों 3 बाब की आयत 5 जो पढ़ी गई उसमें पौलुस रसूल कहता है कि ये बातें हमसे पहले के जमाने के लोगों को मालूम ना था, यानी उन नबियों को जो नबूवत करते थे, ये बातें उनसे हिडन थी, ये बनाए आलम की बातें जो हाइड थी, रेवलेशन थे। वो कहता है अब हम नबियों, हम रसूलों के ऊपर जाहिर हुए हैं, और वो भी रूल कुदस के वसीला से, यानी होली स्पिरिट ने वो जो एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन थी, गुड न्यूज की एजुकेशन थी, गैर कौमों में जो खुशखबरी की बातें थी, ये नबियों के ऊपर नहीं थी। और क्राइस्ट ने तो बयान किया मगर पैराबल के अंदर, पर रसूलों ने इसको वाजे वाजे बयान किया। तो पौलुस में 3 बाब के अंदर ये बात कहता है कि ये पहले जमाने के लोगों को बात पता नहीं थी कि अब गैर कौमें भी खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक, बदन में शामिल और वादा में दाखिल हो चुकी हैं। पर हम रेवलेशन के अंदर कलाम सुनाते हैं, इसलिए पौलुस कहता है जब मैं आऊंगा तो मुकाशवा आके दूंगा, तालीम आकर दूंगा। दुनिया के अंदर खादम जो क्रिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक्सट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, मुकाशवात से भरे हुए आप तक ये ला रहे हैं, क्योंकि होली स्पिरिट में ये हमें समझ आ गई है। अब हम पैराबल में कलाम नहीं सुनाते, पर क्राइस्ट की पैराबल को सुनाकर उसमें एक्सट्रोलॉजी की एजुकेशन को रूल कुदस की मदद से सीख कर बयान करने वाले हो, यानी तमसीलें जब हम क्राइस्ट की बयान करें, हमारे पास पूरा कश्फ हो, हम रेवलेशन का बयान होली स्पिरिट की मदद से करने वाले बने, तो बाइबल स्टूडेंट किस कदर हमें रूह की हदायत से चलना है और इस तालीम को हासिल करना है, ताकि हमें क्रिस्टोलॉजी का पता हो, हमें एक्सट्रोलॉजी का पता हो, हमें निम्टोलॉजी का पता होना चाहिए, एग्लिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, एक्सट्रोलॉजी एंड टाइम की डॉक्ट्रिन का पता होना चाहिए, ग्रेट कमीशन जो खुदा ने दिया हम उसको ओबे करने वाले हो, क्लीसियाई फेलोशिप करने वाले हो, मुकाशफात को लेने वाले बने, खतों के अंदर सारी डॉक्ट्रिन को समझे वाले हो, जो बेस क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन टीचिंग के अंदर ही हमें मिलती है, पैराबल के अंदर ही वो हिडन रेवलेशन एक्सट्रोलॉजी के मौजूद है। और फिर जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो मुकाशवा एपोकलिप्सिस का मतलब भी अनकवर, वो फिर जॉन और यूहन्ना रसूल के ऊपर वो कश्फ होता है, मुकाशवा होता है, वो अनकवर बातें हो जाती है, क्योंकि लिखा मैं अब फिर तुमसे तमसीलों में बात ना करूंगा। तो मुकाशवा की किताब नबूवती कलाम जो हुआ है, रेवलेशन आए हैं एंड टाइम के, वो अब बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने कह दिया, पहले तो तमसीलों पे, पर यूहन्ना 16वें बाब में अब मैं तमसीलों में बात नहीं करूंगा। तो फिर रसूलों के ऊपर भी पैराबल के अंदर बात नहीं की गई, रसूलों के ऊपर भी, यूहन्ना रसूल के ऊपर भी उसने पैराबल में कलाम नहीं सुनाया, उसने मुकाशवा की राह से वो तमाम अनकवर होगी, बातें अनवेल हो गई, मुकाशवा कश्फ हो गया, सारी बातें ओपन हो गई। तो मुकाशवा की किताब ये पैराबल के अंदर नहीं है, ये हिडन मैसेज नहीं है, ये अनकवर, ये अनवेल है, ये मुकाशवा है, ये खुदा की जात के अंदर, क्योंकि उसने वादे कर दिया है कि अब मैं पैराबल के अंदर कलाम नहीं सुनाऊंगा। कलीसियाओं के हवाला से जो 7 चर्चेस को तालीम दी गई, और 7 चर्चेस के अंदर आप देखिए कि इफिसस की कलीसिया, पर्गमन की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, समन्ना की कलीसिया, सर्देस की, लदूकिया, ये सब कलीसियाओं के अंदर आप देखिए कि कोई पैराबल के अंदर नहीं है। कलीसिया को वाजे पैगाम दिया है कि अगर गुनाह करेगा
तो क्षमादान को हटा दूंगा, ये गलत तालीम तुझ में पाई जाती है, ये दूर कर, ये तेरे काम ठीक है। तो आप देखिए कि अब पैराबल में नहीं है, वाजे वाजे बात, तो मुकाशा की किताब और जितनी खतों के अंदर तालीम है क्राइस्ट की, वो सारी एजुकेशन जो बनाए आलम से पेशतर, वो पैराबल में बयान की, एक्सट्रोलॉजी की तालीम जो अब बयान की गई है मुकाशवा के अंदर, खतों के अंदर, हमें उसका बयान करना है। और अगर हम क्राइस्ट की पैराबल को सुनाते हैं तो उसमें एक्सट्रोलॉजी की सारी बातें जो पैराबल के अंदर है, रूल कुदस की मदद से उनको डॉक्ट्रिन्स का बयान करें, और फिर वाइट थ्रोन की जजमेंट भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, तो ये सारी हेल की, पैराडाइज की, सेकंड कमिंग की, हजार साल बाद, ये एंड टाइम सारी एजुकेशन जिसके अंदर जो पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की एजुकेशन है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन की तालीम पाई जाती है, रैप्चर की, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग की, मिलेनियम किंगडम की, और फिर एटर्नल जजमेंट की तालीम है, आसमान की बादशाही की, न्यू यरूशलम की, हर तालीम का जो एंड टाइम से ताल्लुक रखा गया है। तो क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन पैराबल के अंदर ये तालीम दी गई है, मगर जब अब कहा गया, जब जी उठने के बाद तालीम दी गई है, तो फिर ये पैराबल में नहीं है, ये बाजे बाजे तालीम होली स्पिरिट की मदद से है। अमोस की किताब में खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने नबियों पर आशकारा ना कर दे, तो ओल्ड टेस्टमेंट में भी आशकारा किया, बेटे के जरिए से भी आशकारा किया, जो हम बैप्टिस्ट के जरिए से भी आशकारा किया, और मेरे पास्टर साइमन आपके जरिए से, खादमों जो दुनिया के अंदर आपके जरिए से, और बाइबल स्टूडेंट जो आप लर्न कर रहे हैं, आप भी इन बातों का बयान करेंगे। यानी खुदा अब इन बातों का बयान कर रहा है, तो गोया हम इनका वाजे वाजे डॉक्ट्रिन प्रीचिंग जो है हम करने वाले हों। और जो सवाल किया गया, क्या कलीसिया नबूत के अंदर, मिसल के अंदर, मुकाशफे के अंदर इन बातों को समझ रही है और कैसे कलाम सुना रही है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट सेमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन तालीम को हासिल कर रहे हैं, और क्रिस्टोलॉजी और एक्सट्रोलॉजी के बारे में जो तालीम दी गई है, और कलीसिया इस इल्म को, यानी जब हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं इल्म चर्च की, तो चर्च के अंदर ये सारी डॉक्ट्रिन्स का पता हो, जो क्राइस्ट की पैराबल के अंदर एक्स्ट्रोलॉजी की बात की गई है, यानी एंड टाइम के हवाला से, फिर रसूलों ने होली स्पिरिट की मदद से, और मुकाशवा की किताब जो होली स्पिरिट ने जो को वो सारे मुकाशवा दिए, उनके अंदर सेकंड कमिंग के हवाला से, कलीसियाओं के हवाला से, खुदा के थ्रोन के हवाला से, आबे हयात के हर चीज उसके अंदर बयान किए गए हैं, जिसके अंदर अब्दियत और हेल हर एजुकेशन हमें मिलती है। तो हमारे पास जो वाजे बात आ जाती है जब पैराबल और रेवलेशन की बात करते हैं, तो पैराबल के अंदर ही रेवलेशन पाए जाते हैं, जो कि अब रूल कुदस की कुदरत से हमें समझ आ गए हैं। लिहाजा अब क्राइस्ट ने उस वक्त पैराबल के अंदर कलाम सुनाया, ताकि कौम समझते हुए ना समझे, देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, पर अब कलीसिया के ऊपर ये आया है। कलीसिया को कहा गया जिसके कान हो वो सुने, रूह किस्सों से क्या फरमाता है। ये तो वाजे बात कर दी गई, वाजे डॉक्ट्रिन दे दी गई, वाजे मुकाशवा की किताब में कि किस तरीके से ईमानदार कलीसियाओं के अंदर जिंदगी बसर करे, तो किस कदर टेंपल गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट फर्स्ट टाइम, किस तरह एक ईमानदार कलीसिया के अंदर एक भरपूर जिंदगी पाकिजगी के साथ बसर करे। अब पैराबल में कलाम नहीं इसराइल की तरह, अब रूह कुदस ने अयां कर दिया है और कहा है जिसके कान हो वो सुने, रूल कुदस कलीसियाओं से क्या फरमाता, और खादम ये पैगाम दे रहे हैं, और जो खादम पैगाम नहीं देते वो अदालत के अंदर आएंगे, उनका क्षमादान हटा दिया जाता है, वो ईमानदार दूर हट जाता है। इसलिए भरपूर जिम्मेदारी के साथ होली स्पिरिट से मामूर होकर कलीसियाओं में फैले और खुदा के पैगाम को, रेवलेशन को हमें बयान करना है, ताकि कलीसियाएं ईमानदार और तरक्की करें और भरपूर तरीके से जिंदगी बसर करें। तो ये कलीसिया को पता हो कि प्रोफेसी जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर थी, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नबूवती कलाम जो मुकाशवा में लिख दिया गया, ना कोई बढ़ाए ना कोई घटाई, ये मुकम्मल कर दिया गया है। और हम लोगोस को, यानी ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को, रूल कुदस से लेकर, यानी उसके मानी, वो जो समझाता है उसका बयान करना है, वो रेवलेशन का बयान करना है। इसलिए पौलुस कलीसियाओं को बार बार लिखता है कि जब मैं आऊंगा तो गोया मुकाशवा कोई तालीम की बात करूंगा, यानी पैराबल के अंदर नहीं। मगर पैराबल जो क्राइस्ट के वो सुना सकते हैं, वो सुनाए, उसमें
जो एस्ट्रोलॉजी का डिवाइन मैसेज है उसको हाईलाइट करे। तो शागिर्दों ने उनको हाईलाइट किया रूह कुदस की मदद से, यूहन्ना रसूल ने तो होली स्पिरिट की मदद से खुदा ने सारी बातें जो अजल से थी उसके ऊपर जाहिर कर दी। तो अब रूह कुदस में आपके जरिए से, खादमों के जरिए से, और मुझे जो बरकत दी है मुकाशवाद की, जो संडे प्रीचिंग के अंदर मैं फुलनेस की सीरीज में दे रहा हूं, बाइबल स्टडी के अंदर, हिस्कल की किताब के अंदर दे रहा हूं टीचिंग, और यहां चैनल के ऊपर जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी को हम पेश कर रहे हैं और मुख्तलिफ टॉपिक प्रीच किए जा रहे हैं, एक ईमानदार, एक स्टूडेंट तरक्की पाए, बाइबल सीखे, गवाही दे और अंजील सुनाए, एंड टाइम एक्सट्रोलॉजी की सारी बातें उसको मालूम हो और मुकाशफा बयान करने वाला हो, तालीम बयान करने वाला हो, वो आजकल जो दुनिया के अंदर जो नबूवते जो दुनिया की चीजों के हवाले से कर रहे हैं, ऐसे खादमों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब वो वाज़े बात करें, लोग रिपेंट करें, लोग क्राइस्ट को जाने, होली स्पिरिट से मामूर होकर एंड टाइम की एक्सट्रोलॉजी की बातें जाने और अपनी तैयारी करें, पाकिजगी और रास्तबाजी में जिंदगी बसर करे। ये दुनिया की चीजों की नबूवतें ये बाइबल के रूह से नहीं है। आज भी वो लोग जो कलाम को नहीं सुनते, तो इसलिए लिखा अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, यानी उनको बयान नहीं किया जा सकता जो हकारत करते हैं, जिनको रेवलेशन की समझ नहीं। इसलिए कलीसियाओं में बिलीवर आता है और मुकाशफा सुनता है, अपनी जिंदगी को तैयार करता है ताकि वर्शिप करे और मसीह की आमद की तैयारी करे। तो हमें नबूवत के माने भी पता हो, हमें पैराबल के भी माने का पता होना चाहिए, रेवलेशन का पता होना चाहिए, तालीम का पता होना चाहिए। तो हमें क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन जो प्रीच की गई है, क्रिस्टोलॉजी की सारी एजुकेशन डॉक्ट्रिन, उसके अंदर तमाम डॉक्ट्रिन पाई जाती है। तो यही सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजी की यानी क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन दे रहे हैं उन पैराबल के अंदर। आज एस्ट्रोलॉजी के हवाला से जो पैराबल बताई गई है उनके अंदर क्राइस्ट ने आइंदा जमानों की तालीम दी, जो अब होली स्पिरिट जैसा कि रसूलों के ऊपर उसने जाहिर किया, अब मेरे आप और खादमों के ऊपर जाहिर कर रहा है। इसलिए कलीसियों में हम भरपूर वाज़े मैसेज दे जो दे रहे हैं मुकाशवा की राह से, और लोग बरकत भी पा रहे हैं, और जिस तरह टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया तरक्की कर रही है, इसी तरह हम खादम रूहें बचाते चले जाए, और जैसा इस संडे में वाटर बैप्टिज्म है, रूहें जीते, वाज़े बात करें, उनको मसीह के पास लाए और नीम गर्म हालत से वो निकल जाए। तो वो हमारे पास जो मुकाशपाती जो क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन का जो लेसन है, और अमूस की किताब में खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद, अपना पैगाम नबियों के जरिए से आशकारा ना कर दे। तो अब मेरे आपके जरिए से, रसूलों के जरिए से पहले ही पैगाम आशकारा हो चुके हैं, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लिहाजा उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, मुझे आपको पाक किया, दुनिया का कफारा दिया है, पाकीज़गी रास्तबाजी में जिंदगी बसर करे, उसकी इबादत करे, उसका इंतजार करे, और ऐसी ईमानदार जो मेच्योर हो फुलनेस वाली जिंदगी बसर के मामूरी वाली, क्योंकि खुदा का बेटा वो मामूर करता उनको जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है। तो जब पैराबल और रेवलेशन की आज एजुकेशन दी गई है, तो पास्टर साइमन हमें भरपूर खुदा के मुकाशफात के ऊपर उन बनाए आलम से बातें जो क्राइस्ट ने जाहिर की, रसूलों ने जाहिर की, खतों के अंदर, मुकाशों की किताब के अंदर, जो आज रूह कुदस खोल रहा है, कोई और नबूवत की राह से ना बढ़ाए, कोई उसमें ना घटाए, बल्कि इन्हीं रेवलेशन को होली स्पिरिट की मदद से बयान करें जो अनकवर हो चुकी हैं। ये बयान करना ही बताता है कि हम मसीह को जानते हैं। तो मसीहा को, खुदा के बेटे को जो जल्द आने वाला है, अपनी जिंदगी में रखकर इबादत करें, तालीम दे, गवाही दे, रूहें जीते, और एंड टाइम की सारी एस्ट्रोलॉजी की सारी एजुकेशन का पता हो। तो पास्टर साइमन आपके साथ, बाइबल स्टूडेंट आपके साथ, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर सिस्टमैटिक थियोलॉजी को जानता हुआ, क्रिस्टोलॉजी एक्सट्रोलॉजी की एजुकेशन को समझता हुआ, टीओजी चैनल के रिजोसिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। God bless you. जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि तमसीलों और मुकाशफात के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन फुलनेस मामूरी के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं।
और इस इतवार को पानी के बपतिस्मे होंगे जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा रूहों को जीत कर ला सकते हैं ताकि वो भी खुदा की निजात को हासिल करें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन टीचिंग को दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी क्लीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। खादम और बाइबल स्टूडेंट्स BTH की डिग्री को हासिल करने के लिए अपना नाम पता 0300-947-6405 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, इस पर अपना नाम और पता भेजकर वो BTH डिग्री के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। और एक साल इस कोर्स को और ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखने के बाद वो इस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशवात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमेन।